हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका आपके ही चैनल वारांसी ब्लॉगर शिल्पी दुबे में। और यहाँ पे काढ़ा बनाने की तैयारी हो रही है। जैसे कि आपको मैंने बताया था कि हमारे यहाँ मॉर्निंग में सबसे पहले काढ़ा बनाया जाता है, तो यह है अदरक गुड़। गुड़ को मैंने थोड़ा पहले निकाल लिया था इसलिए ऐसा हो गया है। इसको कहते हैं पीपर, ये जो काली काली सी डंडियाँ हैं छोटी छोटी, इसको पीपर कहते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से दिखती है, पीपर है ये। काली मिर्च आपको दिख रही है और अजवाइन है और तुलसी पत्ता है। बस सिंपल सी चीज़ें हैं, पीपर नहीं भी मिलेगा तो चल जाएगा काम। इसको मैंने अच्छे से कूट लिया, थोड़ा सा मैंने कूट लिया है। और ये जो बाकी चीज़ें रखी हुई हैं इसको भी मैं एक बार और अच्छे से कूटूंगी और कूट के मिलाऊंगी मैं पानी में उबालने के लिए। ये काढ़ा को मैंने बना दिया है और ये काढ़ा को कम से कम मैंने 5 से 10 मिनट तक बॉईल किया है। आधा हो गया है ये, और आप गिलास में देख सकते हैं मैंने थोड़ा सा नमक डाला, बहुत थोड़ा सा नमक। और इस काढ़े में मैंने गुड़ डाल दिया था बॉईल होने के बाद, तो अभी से मैं छान लूँगी चाय छन्नी से और काढ़ा हमारा पीने के लिए रेडी हो जाएगा। और यहाँ पे मैं बैठी हूँ किचन में, मम्मी के मतलब मायके वाली किचन में, और करने जा रही हूँ पूजा के बर्तन की सफाई। तो ये रखा हुआ है और ऐसे मैं करती नहीं बिकॉज मेरा काम नहीं है, मम्मी खुद करती हैं। लेकिन थोड़ी सी दही आई हुई थी, थोड़ी सी क्या, बहुत ज़्यादा दही आई हुई थी मामा जी के यहाँ से, तो वो दही बच गई है। तो ये है वो दही, ये देखिए ये है दही, बहुत ज़्यादा खट्टी हो चुकी है, जिसमें मैंने डाल दिया है नींबू। ये आपको नींबू के बीज भी दिख रहे हैं इसमें, ये है नींबू। ये नींबू भी थोड़ा सा ख़राब सा हो गया था तो यही नींबू मैंने इसमें जोड़ दिया है। ये देखिए बिल्कुल, ये इसका रस इसमें डाल दिया इस नींबू का, यहाँ ऐसे। और ये है सिरका, जो हम किसी भी चाइनीज़ फूड को बनाने के, नूडल्स बनाने के लिए यूज़ करते हैं, तो वही वाला सिरका है ये यूज़ करेंगे। और बर्तन कुछ इस तरीके से हैं, ये है लोटा, दिया और थाली साफ़ ही है, थाली ज़्यादा कोई गंदी नहीं है, ये साफ़ ही है। लेकिन इसको मैं अभी साफ़ करूँगी और साफ़ करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो चलिए अपना काम स्टार्ट कर लेते हैं। एक और थाली आ चुकी है यहाँ पे साफ़ करने के लिए, ये है। और एक ढक्कन ये सिरका, एक ढक्कन नहीं है, आधा ढक्कन सिरका है, सॉरी। तो इस आधे ढक्कन सिरका को इस दही में हम डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मेरे पास कोई और स्क्रबर नहीं है, जो तो ये वाला जो पॉलीथीन आता है ना, थोड़ा सा टाइट होता है बिल्कुल, इस पॉलीथीन से हम रगड़ रगड़ के साफ़ करेंगे इसको। और पहले मैं इसको, जो ये दिया है, इस दिया को मैं पहले पानी से साफ़ करूँगी, क्लीन कर लूँगी, उसके बाद मैं इसको बर्तनों को साफ़ करती हूँ। तो चलिए अपना काम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं बैठ गई हूँ सभी बर्तनों को ले करके, और सब में मैं पहले दही वाला जो घोल बनाया है मैंने वो लगाऊंगी, नींबू दही और सिरके का एक एक बर्तन में वो लगाऊंगी। और नीचे बैठ गई हूँ मैं, नीचे बैठ के आराम से काम करती हूँ। और यहाँ आपको सामने नीचे छोटा सा एक टैप दिख गया है, इसमें धुल भी लूँगी अगर पानी रहेगा तो, पानी इसमें नहीं रहेगा तो दूसरे टैप में धोऊँगी। तो पहले इसमें दही लगा दूंगी बर्तन में, लोटे में, घंटी में, और जो दिया था उसको मैंने पानी से धो दिया था। ये आपको एप्रन दिख रहा है, तो ये एप्रन है छोटी सिस्टर का। मम्मी मेरी एप्रन वगैरह नहीं लगाती हैं, वो अपना देसी तरीके से काम करती हैं। और नीचे बैठ के आज मैं बहुत टाइम के बाद ससुराल में काम करती हूँ या तो फिर मायके में काम करती हूँ, नीचे बैठ के, वहाँ नीचे बैठ के ऐसा कोई काम करती नहीं हूँ। और नीचे बैठ के काम करने में बहुत अच्छा लगता है, आरामदायक लगता है मुझे। और इस परात में भी लगा दूंगी मैं और लोटे में भी, और लगा के छोड़ना नहीं है कि जैसे लगा के मुझे 10 मिनट या 5 मिनट छोड़ना है, छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। लगा करके वो जो पॉलीथीन मैंने दिखाई थी उससे मैं रगड़ दूंगी। आपके पास अगर अलग से स्क्रबर है तो उससे रगड़ सकते हैं, मेरे पास इस टाइम पे मेरे यहाँ पे मतलब कि मंदिर के बर्तनों के लिए अलग से स्क्रबर नहीं था, तो मैंने ये साफ़ पॉलीथीन ली थी। और ये जो बड़ी पॉलीथीन दिख रही है इसी के ऊपर रख के मैं सब बर्तनों को क्लीन कर लूँगी, क्योंकि फ़र्श गंदा ना हो। एक बार क्लीनिंग करने वाली जो मेड थी वो क्लीनिंग करके जा चुकी थी, तो इसलिए इस पॉलीथीन के ऊपर रख के मैं ये सारे बर्तनों के ऊपर दही का पेस्ट जो है वो लगा रही हूँ। और यहाँ आप देख सकते हैं कि सारे बर्तनों में मैंने दही वाला पेस्ट लगा दिया है।
अब इन बर्तनों को धोऊंगी मैं। इसमें मैंने कोई भी साबुन यूज़ नहीं किया है, जो पेस्ट मैंने आपके सामने बनाया था वही यूज़ किया है। तो आप ये देख सकते हैं, ये जो बर्तन है ये काफ़ी अच्छे से क्लीन हो चुका है, ये देखिए ये। और मैंने इसमें कोई भी साबुन वगैरह का यूज़ नहीं किया है, दही नींबू और सिरका बस यही यूज़ किया है मैंने। बस दही आपकी खट्टी होनी चाहिए। और ये जो दिया है इसमें काला काला दिख रहा है, ये नहीं छूटा है, तो ये अगर एक बार साबुन से वॉश होगा तो छूट जाएगा। और ये भगवान जी की एक और प्लेट है, और ये घंटी है कुछ इस तरीके से, तो ये बहुत अच्छे से साफ़ हो चुका है। ये देखिए, आप भी इस तरीके से, दिवाली आ रही है और नवरात्र आ रहा है तो बर्तनों की सफाई कर सकते हैं बहुत ही आसानी से अपने घर में, कोई पीतांबरी वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो छोटी गुड़िया आपको दिख रही है, ये कल 6 महीने की हो गई, अनुश्री। तो मैं तो ससुराल में थी नहीं, लेकिन अंश है और बाकी सारे लोग तो हैं ही, मैं और अंश के पापा ही नहीं थे। तो इसका कल 6 मंथ बर्थडे सेलिब्रेट किया गया। गुड़िया के बर्थडे की सेलिब्रेशन की पिक्स आपको दिखेंगी। और ये इस जो वीडियो में दिख रही है, एक दिन की गुड़िया है, इसका नाम अनुश्री है। और इसका जो सेलिब्रेशन हमने किया था घर पे ही किया था, कोई बाहर का सदस्य नहीं आया था, जो कि आप जान ही रहे हैं कि कोरोना पीरियड चल रहा है, किसी बाहर के सदस्य को बुलाना ठीक नहीं है। तो जो घर के मेंबर्स थे उसी में ही सेलिब्रेट किया था हमने। और खुशियां तो अपने घर वालों के साथ भी बांट लो तो भी अच्छी हैं। बच्चा स्वस्थ रहे, आगे बढ़े, तरक्की करे, ये आप आशीर्वाद दीजिएगा। तो चलिए आगे वीडियो और फोटोज़ देखिए।